स्वामी, ये वध होना रुकवा दो स्वामी, और इन सब के बदले में मेरी ही बलिदानी करवा दो। देखकर क्या है, आज भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को उदास जान करके, भगवान कन्हैया ने जो ही रुक्मिणी को बैठा करके संत उठन किया है, तो ही जरा संत के साथ ही चौंक जाते हैं। कहने लगे हैं कि उदासी को त्याग दो और घर को लौट चलो। आज देखा क्या है, सुसमाल और सुसमाल के सभी राजागढ़ अपने अपने घर को लौट आए हैं। बारात वापस ले गई है गली वृंदावन बिहारी लाल की। सुसमाल तो अपने प्राण बचा करके भाग गया है, लेकिन परीक्षित महाराज रुक्मिणी का भाई रुकुम एक अछौरी सेना लेकर के दौड़ा है और कहने लगा, हे यदुकुल को कलंक लगाने वाला, तू मेरी बहन को चुरा करके कहां लिए जा रहा है? आज मैं तुझे छली और कपटी का मत दूर करूंगा। मुस्कुरा करके भगवान कन्हैया कहने लगे, बड़ा और कुंती। ऐसा कह करके भगवान कन्हैया ने ऐसा बाण मारा है, रुकुम का सारथी मर गया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तब रुकुम तलवार हाथ में लेकर के रथ से आज कूद करके भगवान के पीछे दौड़ा है। भगवान ने उसे बांध लिया है और उसका वध करना चाहा है। रुक्मिणी देवी रोने लगी, कहने लगी, स्वामी मेरी बात सुनो। मैया खोजिया